मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले भाजपा यानी बीजेपी ने 39 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को बड़ा झटका भी लगा है। पार्टी ने भिंड जिले की गोहद सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए रणवीर जाटव को टिकट नहीं दिया है। वहीं पार्टी ने पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्या पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने जैसे ही गोहद विधानसभा सीट से लाल सिंह आर्या को उम्मीदवार बनाया तो उनका विरोध शुरू हो गया। इतना ही नहीं, विधानसभा क्षेत्र के रूपाबई गांव में मतदाताओं के एक बड़े वर्ग ने बीजेपी को वोट न देने की कसम खाई। वहीं एनो गांव में रहने वाले सिंधिया फैंस क्लब के अध्यक्ष भीम सिंह गुजर ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खून से चिट्ठी लिखी है। उन्होंने ये चिट्ठी बुधवार को ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके निवास जयविलास पैलेस में सौंपी है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हमें रणवीर जाटव चाहिए। पत्र में लिखा गया है कि सादर प्रणाम महाराज साहब, रणवीर जाटव को टिकट नहीं दिया गया है। कार्यकर्ताओं का भविष्य खतरे में है, उन्होंने पार्टी को खून से सींचा है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि अन्याय नहीं न्याय चाहिए, महाराज साहब रणवीर चाहिए। अंत में नीचे आई लव यू महाराज भी लिखा गया है। ये पत्र सामने आने के बाद गोहद में कांग्रेस से बीजेपी में आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता असंतोष परेशान दिखाई पड़ रहे हैं और ये कार्यकर्ता अपनी चाहत उम्मीदवार जो है उसको टिकट न मिलने की वजह से थोड़े से निराश हैं, नाराज हैं। इस तरह के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी पदाधिकारी में अगर जाएगी और चुनाव में जाएगी तो चिंता जाहिर करना लाजमी है। ये सारी बातें उस चिट्ठी में इस तरीके से लिखी गई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में रणवीर जाटव की जगह लाल सिंह को टिकट दिया गया है और लाल सिंह आर्या गोहद से 3 बार विधायक रह चुके हैं और शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। रणवीर जाटव ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए थे, इसके बाद उनके सदस्यता चली गई थी। लाल सिंह आर्या को साइड कर बीजेपी ने गोहद से रणवीर जाटव को उपचुनाव में भी उम्मीदवार बनाया था। रणवीर जाटव कांग्रेस के मेवाराम जाटव से बुरी तरह हार गए थे। लाल सिंह आर्या को बीजेपी ने अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया था और इसके बाद से यह संभावना जताई जा रही थी कि बीजेपी लाल सिंह आर्या को भिंड लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारे। अभी तक संभावना लग रही थी कि रणवीर जाटव को एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया टिकट दिलाने में सफल हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का पत्ता काट दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर ही सियासी घमासान दिख रहा है, जो धीरे धीरे अब शायद जगजाहिर भी हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बीजेपी के अंदर भी बगावत तेज होती दिख रही है। बीजेपी सांसदों ने भी सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चर्चा यहां पर चल रही है कि एमपी चुनाव में सिंधिया समर्थकों के टिकट भी कट सकते हैं। आपको बता दें मध्य प्रदेश में चुनावी साल में नेताओं के दल बदल का दौर जारी है। हाल ही में बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं ने दल बदल किया है। अब देखना यह होगा कि रणवीर जाटव बीजेपी में बने रहते हैं या टिकट काटे जाने से नाराज होकर कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि अगले कुछ दिनों में समर्थकों के टिकट और भी कट सकते हैं, ऐसे में बगावत भी बढ़ती दिख सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ समर्थक पहले भी बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।